अउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कॉरपोरेशन उसके एडवांटेजेस। कॉरपोरेशन कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ही बात है। कॉरपोरेशन कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ही बात है, ठीक है जी। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ अंडर कॉमन सील, जो के मसनूई शख्स के तौर पर बनाई जाती है जिसकी अपनी एक मोहर होती है। मतलब डायरेक्टर्स को जिनको ऑथोराइज कर दिया जाता है उनकी सिग्नेचर के नीचे वो मोहर जो है वो वैल्यू रखती है। कंपनियां लोगों के अगेंस्ट केस दायर कर सकती हैं और कंपनी के अगेंस्ट भी लोग केस दायर कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? लोग कंपनी के अगेंस्ट केस भी दायर कर सकते हैं और कंपनी भी किसी अपने नाम से किसी के अगेंस्ट केस दायर कर सकती है। पहले जो बिजनेसेस थे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, उनमें और इसमें यही फ़र्क है मेन, कि ये अलग से इसकी अपनी कानूनी हैसियत है। पहले जो दो बिजनेसेस थे पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसकी अलग से कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। अगर कोई पैसा दुकानदार ने किसी का देना है, मतलब सोल प्रोप्राइटर ने देना है, तो इसका मतलब उसने शॉप ने देना है, या एक बिजनेस सोल प्रोप्राइटर ने देना है तो इसका मतलब मालिक ने देना है। अब मालिक और बिजनेस जुड़े हुए थे, इसी तरह से पार्टनरशिप में भी मालिक और बिजनेस एक दूसरे से अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। जिसने किसी फर्म से पैसा लेना है, पार्टनरशिप फर्म से पैसा लेना है, उसने इसका मतलब हिस्सेदार से पैसा लेना है। उनको उनके पैसे अदा करने के लिए उनकी जाती जायदाद तक सेल करनी पड़ सकती थी, क्योंकि उनके अगेंस्ट केस होता था। कंपनियां या कॉरपोरेशन जब आई, एक तो ये अपना एक डिफरेंशिएट करके आई कि हम एक खुद में अपनी एक हैसियत रखती, जिसकी वजह से लोगों ने जब देखा कि भाई इसका मतलब मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, मैंने मतलब 50,000 अगर शेयर खरीदे तो मैं 50,000 तक का जिम्मेदार हूँ, उसके आगे का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इसी वजह से लोग जो है वो कंपनी की तरफ आए, और कंपनी में पैसे की कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आ जाए पब्लिक कंपनी में, ठीक है। तो इस लिहाज से बिजनेसेस, ये कंपनीज बढ़ती चली गई। इस टाइम अगर आप देखें कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन है, वो कंपनीज़ की वजह से ही हमारे तक पहुंची है। कॉरपोरेशन हम लोगों में घुसा है, इसने हमारी ज़रूरत, जो हमारी चाहत भी नहीं थी, इसने उसे हमें ज़रूरत हमारी बना के रख दी है। अब देखें, ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे हमारे टाइम में, आज वाइट बोर्ड है, ठीक है। हवावे कंपनी है, देखो मोबाइल आ गया, ठीक है ना। ये कोई कंपनी है जी, रॉयल तो फ़ैन आ गए। तो इसने बहुत सी इसी तरह से चीज़ें, जिस जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, वो हमारे लिए नीड, मतलब चाहत भी नहीं थी, हमारी ज़रूरत बना दी। आज हम सीखेंगे, सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? पहले दोनों बिजनेसेस में हिस्सादार की लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड थी। आपको मैं बताऊँ कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, 17वीं सेंचुरी के बाद कंपनी का आगाज़ हुआ, लेकिन पहले दो बिजनेस तो बहुत पहले से अजल से ही होते चले आ रहे हैं, उसकी कोई तारीख नहीं मिलती कब से वो होते आ रहे हैं। लेकिन ये 17वीं सेंचुरी से कंपनी जब आई ना, लोगों ने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया, इसी वजह से लिमिटेड लायबिलिटी। हिस्सादार हर बंदा अपने खरीदे गए शेयर तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उससे आगे का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? अब एक हिस्सेदार, पहले तो ये होता था कि उसको उसकी अपनी जाती जायदाद तक सेल करना पड़ जाती थी, जेल में जाना पड़ जाता था। अब ये है कि जिसने जितने शेयर खरीदे हैं वो अपनी उसकी लायबिलिटी उसके शेयर तक ही लिमिटेड है। उसके बाद है जी ह्यूज कैपिटल। हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में हमने यही बात पढ़ी, कैपिटल इज़ दी ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है। मैं कहता हूँ उमैर तो कारोबार क्यों नहीं कर लेता, ये कहकर सर पैसे नहीं है नहीं तो मैं तो ज़बरदस्त कर, ऐसे ही है ना। तो बिजनेस के लिए सबसे अहम चीज़ जो समझी जाती है वो कैपिटल है। कैपिटल इज़ दी ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस हम कहते हैं। तो कंपनीज में चूँकि बहुत से लोगों का शेयर होता है, तो देखो पब्लिक कंपनी में
बहुत से लोग, हर कोई जितने चाहे उसके शेयर परचेज कर सकते हैं, बहुत से लोगों का उसमें पैसा होता है, जिससे क्या होता है कि कंपनी के पास ह्यूज कैपिटल होता है। ह्यूज कैपिटल होने की वजह से कंपनियां अपने बिजनेस को आसानी से क्या कर सकती हैं, एक्सपेंड कर सकती हैं, एक्सपेंड। आप देखें, एक बंदा है, वो एक बिजनेस को कितना बढ़ा लेगा, कितना सरमाया ले आएगा, उधार पकड़ लेगा, अपने पास से लगा लेगा, उसको कितना मैनेज कर लेगा और कितना आगे लेके चला जाएगा एम्प्लॉयज के थ्रू कम। तो इसमें ज़्यादा सरमाया होने की वजह से बिजनेस ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं। अब आप देखें कि पूरी दुनिया भर में अगर कोई बिजनेस फैले हुए हैं, जैसे कोक है, पेप्सी है, ठीक है जी, ये अभी हम रॉयल कंपनी की बात कर रहे थे, हवावे हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये डिफरेंट कंपनीज़ की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हायर हो गया, उसके अलावा एलजी हो गया, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो दुनिया में फैली हुई हैं। ये जो दुनिया में फैल गई हैं, इसी को कहते हैं बिज़नेस इनका एक्सपेंड हो गया है। बिज़नेस क्या हो गया है, एक्सपेंड। अच्छा, बिज़नेस एक्सपेंड ह्यूज कैपिटल के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। ईजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, पहले देखें पार्टनरशिप में क्या होता था, पिछले बिजनेस में पार्टनरशिप में अगर मुझे अपना शेयर, हम चार बंदे पार्टनर हैं, मुझे अपना शेयर इसको किसी और को सेल करना है, थर्ड पर्सन को, तो मुझे इन सारों की कंसेंट की ज़रूरत होती थी। मैं अपना हिस्सा, हम चार पार्टनर हैं, मैं अपना हिस्सा उज़ैर को बेचना चाहता हूँ, तो मुझे आपकी कंसेंट की ज़रूरत है, तब मैं इसको अपना शेयर बेच सकता हूँ, नहीं तो मैं अपना शेयर नहीं बेच सकता। पहले ऐसे ही था, ठीक है। अगर आप इससे एग्री नहीं हो, आप कहते हो भी हम इसको नहीं लें, अब मैं तो गया फंस, मुझे मजबूरन इन्हीं को बेचना पड़ेगा और ये फिर ब्लैकमेल करके जैसे मर्जी ले मुझसे। लेकिन अब यहाँ पर आके मैंने शेयर खरीदे हैं ना, किसी भी वक्त मैं मार्केट में बेच दूँ अपने शेयर, किसी भी वक्त मैं अपने शेयर मार्केट से मैं बेच सकता हूँ, दूसरी कंपनी के खरीद सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, सिमिलरली पैसा ज़्यादा, उसी से एक्सपेंशन, जब बहुत से लोगों का शेयर होता है, बहुत से लोगों का पैसा होता है, ज़्यादा पैसा होता है तो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगी तभी एक्सपेंशन होगी ना, मतलब इसने, हवावे ने लार्ज स्केल में मोबाइल बनाए होंगे, एप्पल ने लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की होगी तो हर हर कंट्री में मोबाइल अवेलेबल है, ठीक है जी। होंडा ने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन की होगी तो हम यहाँ भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनकी कई और कंट्रीज़ में भी चल रही होगी। पाकिस्तान की डिमांड ही अकेली पूरी करने के लिए लार्ज प्रोडक्शन की ज़रूरत है। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन हम कंपनियाँ ही करती हैं ज़्यादातर, ठीक है जी। लो रिस्क, लो रिस्क, या हम कह रहे हैं रिस्क इसमें शेयर हो जाता है, रिस्क शेयर हो जाता है, किसी एक के सर पे नहीं आता। पार्टनर थे चार, इसके पास पैसा ख़त्म, ये फरार, बिजनेस को हुआ लॉस, हम तीनों के पल्ले पड़ गया सारा, ठीक है ना, या मैं अकेला रह गया तो मेरे ऊपर आ गया सारा लॉस। तो लॉस इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो लॉस सारा डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना जी। सोशल बेनिफिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसिस ने बड़ी पूरी की है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें। आज देखें बिजनेसिस, कॉरपोरेशन कंपनीज ना होती ना तो ये मास्क सस्ते से सस्ता हो के प्रोड्यूस हुआ। आज देखें डिमांड भी ज़्यादा है फिर भी 5 रुपये का मिल रहा है, वजह क्या है, कंपनीज, इसने लोगों के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। हर कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सस्ती अच्छी क्वालिटी की, सस्ती से सस्ती अच्छी से अच्छी क्वालिटी लोगों तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाएंगे, एक होगा फिर तो जनाब वो क्वालिटी भी अच्छी नहीं देगा, देगा फिर भी महंगी, हमारे कंट्री में वापडा बिजली ना भी दे जितनी मर्जी महंगी दे, सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसमें देखिए कंपनीज आती गई, चीज़ों जो है उसमें चेंज और हमारी सहूलत के मुताबिक बनती चली गई चीज़ें। आप अगर देखें कि इसमें हमारे टाइम में ये ऑयल जो है ये टीन में आता होता था, बड़े बड़े टीन में आता था, औरतें छुरी लेके काटती होती थी, कपड़े भी समटाइम गिर भी जाता था, समटाइम हाथ भी कट जाता था। कंपनी ने क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कि उसने उसको एक बॉटल में डाल दिया और साथ जनाब यू ढक्कन से खोलो आराम से उसको
डाल लो, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी ज़रूरियात जो हमें ज़रूरी थी। अब देखिए, आप फैन के नीचे बैठे हो, कैसे किसी कंपनी ने कहीं ये फ़ैन बना तो इसने आपकी ज़रूरत पूरी की, अगर एसी बना दिया तो तुम्हारी और अच्छी चाहत को पूरा कर दिया, ठीक है जी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैक बोन की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है मैनेजमेंट। जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी उतना अच्छा बिजनेस होगा। बात समझ में आ गई? बेटर मैनेजमेंट होती है ज़्यादा बंदों से, इसमें ज़्यादा लोगों का शेयर होता है, ज़्यादा पैसा होता है, उससे आप ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हो। हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉय हायर करने से आप जो है वो बेटर मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिस चीज़ का दुख है, ठीक है, अभी कल जो इमरान खान का इंटरव्यू आया हुआ था उसमें वो यही कह रहा था कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब कितनी दे देंगे हम, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है कंट्रीज़ में जॉब देती हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसने बनानी है, आप लोगों ने बनानी। बिजनेस में आए, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशंस ने क्या किया है, कॉरपोरेशंस की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई है। मैं एक बात बताऊँ, फर्म में जॉब करके ना आप सारी उम्र भी जॉब कर लो, आप दिली तौर पर पहले दिन से मुतमिन ही नहीं होते, कंपनी में आप मुतमिन होते हो। कॉलेजेस में सिर्फ यहाँ पर पंजाब कॉलेज कंपनी है, बाकी तकरीबन सारी फर्म है, ठीक है। तो उसमें कंपनी में एक प्रॉपर सहूलियात हो जाती है, पता है यार ये पूरे कंट्री में चल रही है, ठीक है जी, जैज़ पूरे कंट्री में मोबलिंग चल रही है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी बड़ी होगी उसको गिराना उतना ही मुश्किल होगा, एम्प्लॉई उतने ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रोज़गार जो है वो मिल रहा होगा। आपको पता है गूगल का ऑफिस देखा किसी ने? यूट्यूब पर सर्च करना, गूगल का ऑफिस देखना, आप देखो इस ऐसी तो कोई ज़िंदगी नहीं है जो उन्होंने दिखाया हुआ। अब उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी कितनी जो है सैलरी है। कॉरपोरेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ी हैं, कहने का मकसद ये है। ऑडिटिंग, इसमें इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉरपोरेशन की ऑडिटेड होती हैं, इनको ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है। ऑडिट क्या होता है? हर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी। ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, या हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर, उनको आके ऑडिटर ऑडिट करता है, जिससे अब लोगों को पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इनकी लिखा हुआ है वो ट्रू है, वो ट्रू है, क्योंकि ये ऑडिटेड हैं, ये चेक हुई हुई हैं। लीगल एंटिटी का मतलब यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, इसकी अपनी कानूनी तौर पर हैसियत है। ABCD ने इसको शुरू किया, XYZ आज इसके ओनर बने हुए हैं, कोई इशू नहीं। बंदे चले जाते हैं, कंपनियाँ फिर भी चलती रहती हैं। फर्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये 4 बंदे हैं तो 3 बंदे पार्टनर हैं, तो 3 बंदों पर वो डिपेंड हो रही होती है, ठीक है ना जी। हम अगर बात कर रहे होते हैं, देखिए ना भाई, सिटी कॉलेज में 2 बंदों के ऊपर वो डिपेंड करना होता है, ठीक है। जब थर्ड पर्सन आया, चाहे वो स्लीपिंग में आया, वो बहुत बड़ी कंपनियों का मालिक है, तो इमोशनली एम्प्लॉई अपने आप को मजबूत समझने लग गया, वो कंपनीज की तरफ मूव नहीं करना चाहता, क्योंकि अब उसमें सपोर्ट बढ़ गई है। अब कंपनियां जो होती हैं इसकी अपनी लीगल एंटिटी, अपनी एक कानूनी हैसियत, ठीक हो गया बेटा। ये हमारा था आज का लेक्चर, इसमें नेक्स्ट हम लेक्चर में डिसएडवांटेज इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है।